हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम आपके साथ एक प्लाजो के नीचे, जो पोंचे के नीचे डिजाइन बनाया जाता है, उसको शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी एंड सिंपल डिजाइन है। मैंने दो चार बार ये बनाया है पहले भी, तो जिसका भी बनाया है उसने बहुत पसंद किया है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये डिजाइन क्यों ना शेयर किया जाए। तो यहाँ पे मैंने प्लाजो की स्टिचिंग कर ली है, कटिंग की है, स्टिचिंग की है, ये मेरा पूरा रेडी हो गया है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। ये अब ऑलरेडी बन चुका है, बस सिर्फ नीचे का रहता है। ये देखिए, इसकी पॉकेट भी मैंने लगाई हुई है, इसमें हुक वगैरह सब लग चुके हैं, सब रेडी है। अब नीचे का पोंचे का हिस्सा रहता है बनाने को। तो ये है हमारे, सिलाई देख लेते हैं। ये हमारी बाहर वाली सिलाई है, ये हमारी अंदर वाली सिलाई है। जो अंदर वाली सिलाई है हम उसे खोल देते हैं, और जितना रेडी रखना है प्लाजो उतना मैंने कट कर लिया है, बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं रखा है। आप रखना चाहे तो एक दो पॉइंट ज़्यादा रख सकते हैं, जैसे आपने 35 या सॉरी 36 इंच रेडी रखना है, 35 या 36, कुछ भी आपने लंबाई आपने रखनी है, तो आप आधा इंच ज़्यादा ले लें बस। और कुछ भी ये नहीं है कि पूरी फोल्डिंग आपने ज़्यादा लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे पास अब है रेडी बिल्कुल, जो हमने बनाना है। अब यहाँ पे हम बुकरम का एक पीस लेंगे, जिसकी चौड़ाई पहले मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ बुकरम की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच के करीब बुकरम की चौड़ाई ले लेंगे। अब हमने ये लंबी पट्टी कट कर ली है, और लंबी कितनी रखनी है वो मैं आपको अभी बता दूंगी। यहाँ पे हम पोंचे का नीचे वाला हिस्सा रखेंगे, और ये अंदर वाला हिस्सा है, ये बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है। जो सिलाई आपने अंदर करनी है, बाहर वाला हिस्सा हमें कम्प्लीट चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे सिलाई लगी हुई है इसके, ये मेरी यहाँ पे मार्जिन छोड़ के सिलाई लगी हुई है। इस सिलाई के साथ हम इस बुकरम को रखेंगे, बिल्कुल साथ रखेंगे, उधर नहीं रखना, आपने अंदर रखना है, सिलाई के बिल्कुल साथ रखना है। और जहाँ पे आपका ये आ रहा है, एंड आ रहा है जहाँ पे, वहां तक आपने बुकरम को कट कर लेना है। ये मेरा यहाँ तक आ रहा है, मैं आपको एक बार रख के दिखा देती हूँ। ये देखिए, जहाँ पे सिलाई आ रही है वहां पे, और इस तरह रखेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, ये यहाँ पे कट करके इसे बिल्कुल बराबर कर लेंगे हम, काट कर इस तरह रेडी करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहले आधा इंच के करीब, जितना हमारा सिलाई में जाएगा, आधा इंच के करीब हम छोड़ देंगे बुकरम को। फिर हम इसे इस तरह एक बार पलटी करेंगे, मतलब डबल करेंगे। पहले डबल तो देखो है ही है, ये पहले देखिए, ये डबल है हमारी बुकरम। अब इस तरह है, यहाँ पे आधा इंच हमने छोड़ के यहाँ पे इस कॉर्नर को, इस साइड को मिला देना है, और फिर एक साइड एक बार और पलटी करना है, ठीक है। ये हमने दो बार पलटी कर लिया है, और अब इसे हम इस तरह रखेंगे। ये मैंने इस तरह, ये काफ़ी सारी लेयर्स हो गई हैं। अब एक यहाँ पे मैं कॉइन रख रही हूँ, कॉइन को बिल्कुल बीचों बीच रख रही हूँ, यहाँ से नीचे से थोड़ा सा छोड़ के। जैसे नीचे का हिस्सा है हमारा, इस साइड ले लेते हैं, इस साइड थोड़ी करनी है, इस साइड ले रही हूं मैं, तो नीचे मतलब थोड़ा सा छोड़ना है आपने मार्जिन के लिए, ज्यादा नहीं। मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे सिलाई वाला हिस्सा है, ये मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है। अब हम क्या करते हैं, यहां से अब थोड़ा सा इसको घुमा देंगे, इस निशान को इस तरह, इस तरह, ठीक है। ये हमने इस तरह इस निशान को इस तरह घुमा दिया, ये हमारा यहाँ पे कर्व आ गया, ये हाफ सर्कल बन गया, ये आप देख सकते हैं, ये हाफ सर्कल बन गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे, यहाँ से तो अब वहीं तक कॉर्नर तक ले जाना है इसको सीधा, फिर अब हम यहाँ से घुमाकर अकॉर्डिंग टू शेप कट कर लेंगे। ये मैंने इसे कट कर दिया है, अब आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। हाफ सर्कल इसमें बन गए हैं, ये लीजिए, ये देख सकते हैं आप, हाफ हाफ सर्कल हमारे कट चुके हैं। अब हम इसे कपड़े पे चिपका लेते हैं, आधा इंच कपड़ा नीचे छोड़ देंगे, आधा इंच ऊपर छोड़कर इसको मैं कपड़े के ऊपर प्रेस के साथ चिपका कर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, मैंने इसको कपड़े के ऊपर चिपका लिया है, ऊपर मैंने आधा इंच के करीब कपड़ा छोड़ दिया है, नीचे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ा है 2 पॉइंट, ये हमारा सिलाई में आ जाएगा। अब आपने जब ये कर्व्स वगैरह बनाने हो, कभी भी किसी भी सूट में, बाजू में भी बनते हैं, इसका मैंने स्लिट्स में भी एक डिजाइन बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आपको दे दूंगी। इसका मैंने पिछली सर्दियों में बहुत सुंदर एक डिजाइन शेयर किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से देख सकते हैं। और ये इस तरह फोल्ड हो जाएगा, और वो वाला कुर्ता है जो, उसमें इस तरह ये वाले आए थे स्लिट्स पे। तो अब हम प्लाजो में भी बना रहे हैं, तो इसको पहले फोल्ड कर लेते हैं।
अब देखिए इसे मैंने फोल्ड कर लिया है और अब हम इसे पोंचे के ऊपर लगाएंगे। अब आपने दोनों साइड से इसका मार्जिन सेट कर लेना है और नीचे का भी मार्जिन आपने ध्यान से रखना है। नीचे बिल्कुल आपने मिला के रखना है दोनों साइड को, और साइड में भी आपने कोई ऐसा ना हो कि एक साइड से ज़्यादा निकल जाए एक साइड से कम निकले, फिर आपके जो ये कर्व्स हैं वो मैच नहीं होंगे आपस में। अब आपने इन सभी को सेट करके एक यहाँ पे रफ सिलाई लगानी है, दोनों साइड से मिला लेना है अच्छी तरह। अब इसे सीधा करके इस तरह रख लेते हैं और इसके ऊपर एक रफ सिलाई लगाते हैं। ये हमने मोटे बखिये से लगानी है सिलाई, इसको हम बाद में निकाल देंगे। इस सिलाई लगाने का ये बेनिफिट रहता है कि बाद में जो कर्व्स के ऊपर सिलाई लगेगी वो बहुत इजीली लग जाएगी। लीजिए ये सिलाई अब हमारी लग चुकी है, अब हमने कर्व्स पे सिलाई लगानी है। अब यहाँ से शुरू करते हैं बिल्कुल। अब बखिया हमने बारीक कर लेने हैं, बारीक बखिये से लगाएंगे इसको। अब बिल्कुल अकॉर्डिंग टू शेप, जैसे जैसे इसकी शेप है उसी हिसाब से हमने इसको घुमाना है और बिल्कुल बारीक बखिये से इसको सिलाई को लगाना है आपने। ये बिल्कुल गोलाई में होनी चाहिए, यहाँ पे कोई भी कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। जितनी सफाई से आप यहाँ पे सिलाई लगाओगे उतना ही आपका काम अच्छा होगा। बस इसको धीरे धीरे लगाएं, बहुत तेजी से नहीं काम करना है यहाँ पे, बिल्कुल धीरे धीरे करना है आपने। जब कॉर्नर आएगा वहां पे आपने रोकना है एक बार, फिर दोबारा से घुमाना है सिलाई को। अब पूरे में लगा के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए सिलाई हमारे पूरे में लग चुकी है। अब हमने यहाँ पे कट्स लगाने हैं जो गोलाई के अंदर जो कॉर्नर बने हैं। और जब आप कट लगा रहे हो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिर्फ आपने कपड़े को कट करना है और कपड़ा बिल्कुल कॉर्नर तक कट करेंगे सिलाई को बचाकर। अगर आपकी सिलाई कट गई तो आपका यहाँ पे कॉर्नर खुल जाएगा, फिर आपको दोबारा सिलाई लगानी पड़ती है, फिर उसमें फिनिशिंग नहीं आती है। यहाँ पे कॉर्नर पे भी आपने एक कट जरूर देना, नहीं पे यहाँ पे भी मुड़ेगा नहीं। इस साइड भी एक कॉर्नर में कट दे देते हैं। अब आपने पहले ऊपर की सिलाई खोलनी है, जो ऊपर सिलाई लगी थी हमने रफ सिलाई लगाई थी पहले, उसे हम खोल देंगे। सिलाई हमने खोल ली है, अब हम इसे पलटी करेंगे। पलटी करने के लिए आपने यहाँ पे एक उंगली रखनी है, इस तरह उंगली को आप रखें बीच में और बाहर की तरफ पलट दें तो ये जो कर्व्स हैं ये बिल्कुल इजीली पलट जाते हैं। और पलटने के बाद आप एक बार इसे प्रेस कर लें तो ये अच्छी तरह बैठ जाएंगे। और जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको सेट करने के लिए आपको दोनों कॉर्नर पकड़ के एक बार ट्विस्ट करना है, उससे ये कॉर्नर बिल्कुल सेट हो जाता है, यहाँ पे किसी तरह का झोल नहीं आएगा। इस तरह आपने ट्विस्ट करना है सभी कॉर्नर्स को तो ये अच्छी तरह सेट हो जाते हैं। अब हम इसके ऊपर रख के एक रफ सिलाई और लगा देंगे, बाद में हमने इसके ऊपर तुरपाई करनी है। ये लीजिए रफ सिलाई हमारी लग चुकी है और बाहर की तरफ जो भी बुकरम का पोर्शन बड़ा है, थोड़ा बहुत बुकरम आ गया है बाहर, तो उसे आप कट कर दीजिए, सफाई दे दीजिए एक बार। अब हमने इसके बिल्कुल साइड में किनारे पे यहाँ पे बारीक बखिये से एक आउटलाइन की सिलाई देनी है, इससे ये जो कर्व्स हैं वो हमारे पक्के हो जाते हैं और ये कभी खुलते नहीं हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल बारीक बखिये से हम इसको सिलेंगे अकॉर्डिंग टू शेप। बड़े ध्यान से सिलना है, यहाँ पे आपने सफाई से काम करना है, यही यही जो काम है वो दिखेगा ऊपर से। लीजिए यहाँ पे इसी तरह सारी सिलाइयाँ हम लगा लेते हैं। मैंने सभी कॉर्नर्स पे सिलाई लगा ली है, ये बहुत ही फिनिशिंग से हो गया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पे जो कर्व हैं वो आपस में मैच होने चाहिए, तभी आपकी ये जो सिलाई है वो अच्छी तरह आएगी। और पोंचे को सेट कर लेना है आपने। मैंने यहाँ पे 6 इंच पोंचा रखा है, 6 इंच रखने के बाद जो भी बचा है उसको मैं यहाँ पे बाहर की तरफ सिल दूंगी। ये मैंने मार्जिन की तरफ बाहर की तरफ सिल दिया है, 6 इंच पोंचा हमने रेडी रख लिया है।
और इसकी फिटिंग की सिलाई जो हमने खोली थी उसे लगा देते हैं, और उसके बाद ये हमारा डिज़ाइन रेडी है। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखा देती हूँ एक बार, और यहाँ से फिनिशिंग दे देते हैं। अब देखिए, मैंने पोंचे को उल्टा करके दिखाया पहले आपको, अब मैंने इसको सीधा कर लिया है और प्रेस कर दी है अच्छी तरह। और प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये डिज़ाइन बन के आया है, और पहन के देखा है तो इसकी ग्रेस बहुत अच्छी आई है, और आप देख सकते हैं इस तरह ये क्लियर हो गया है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन के आया है। अगर आपको ये कटिंग और स्टिचिंग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम किसी नए डिज़ाइन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।